तो राष्ट्रपति का अपमान, अधीर रंजन चौधरी इस बार चर्चा का विषय बने हुए हैं। बीजेपी काफी आक्रामक नजर आ रही है क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ उन्होंने इस प्रकार का एक बयान दिया है और इसी के बाद से सभी खासे आक्रोशित नजर आ रहे हैं। बीजेपी हमलावर भूमिका में यहाँ पर नजर आ रही है और लगातार अधीर रंजन पर आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो मामला संसद से जुड़ा हुआ है जहाँ पर अधीर रंजन चौधरी ने ये बात कही है। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की अशोभनीय टिप्पणी के खिलाफ भाजपा हमलावर है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने देश का अपमान इसे बताया। स्मृति ईरानी ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, राष्ट्रपति जी नहीं राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है। ये बात अधीर रंजन चौधरी ने कही। हालांकि इस बयान को देने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी ओर से जुबान ये फिसल गई थी, जिसके बाद उन्होंने माफी मांगी। लेकिन अब बीजेपी में खासा उबाल है। बीजेपी जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है और ऐसी एक तस्वीर विरोध की मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। भोपाल से भी तस्वीर निकलकर सामने आ रही जहां पर तमाम जो बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो लोग हैं, बीजेपी नेता सभी प्रदर्शन कर रहे हैं और अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। चलिए इसी मामले पर और भी जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ में सीधे जुड़ चुके हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे, जब से अधीर रंजन चौधरी की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है बीजेपी खासी आक्रोशित नजर आ रही है, क्या स्थिति भोपाल में? देखिए बिल्कुल, अगर मध्यप्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके विरोध जताया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगातार विरोध प्रदर्शन जो है यहां पर हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी गांधी प्रतिमा पर यहां तमाम बड़े नेता इकट्ठा हुए हैं। इनकी तस्वीर हम दिखाते हैं जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो सरकार के मंत्री विश्वास सारंग मौजूद है, रामेश्वर शर्मा जो विधायक है, और इसके अलावा बीजेपी संगठन के तमाम जो नेता है वो मौजूद है। और इस समय कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो एक नाराजगी के तहत जो है कहीं ना कहीं ये विरोध प्रदर्शन है और इसके बाद यहाँ से ये सभी लोग गांधी प्रतिमा से राजभवन की तरफ मूव करेंगे और पैदल मार्च करेंगे और राज्यपाल को एक ज्ञापन भी देंगे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जो है उनका भी संबोधन चल रहा है और कोशिश करते हैं सुनने की कि वो इस समय क्या बोल रहे हैं। जी, जनजाति समाज की हमारी बहन आज भारत के सर्वोच्च स्थान पर राष्ट्रपति के तौर पर आज विराजमान हुई है, पूरा देश इस बात के लिए उनके लिए हर्ष और उल्लास के साथ उनका सम्मान और स्वागत कर रहा है। 130 करोड़ जनता भारत के राष्ट्रपति बहन द्रौपदी स्वागत के लिए तत्पर होकर के भारत के अंदर आज उनका सम्मान कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य मित्रों, इस देश सभा में उनके नेता अधीर रंजन चौधरी ने भारत के संविधान के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के तौर पर बहन द्रौपदी मुर्मू के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया है वो शब्द इस देश के अंदर स्वीकार नहीं हो सकते। भारत की 130 करोड़ जनता अधीर रंजन चौधरी तुमको जवाब देने का काम इस देश के अंदर करेगी जो आपने द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति पत्नी कहकर और जिन शब्दों का उपयोग किया है यह संविधान के खिलाफ है, संविधान की मर्यादाओं के खिलाफ है। अमर्यादित टिप्पणी करना ये चरित्र में हो सकता है कांग्रेस के में। मैं आज चंदर भोपाल से इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूं कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता और उनकी सोनिया गांधी जो उनकी सर्वोच्च पद पर विराजमान है कांग्रेस के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी देश तो महिलाओं का सम्मान करता है। अरे सोनिया जी, हम तो आपका भी